नमस्कार जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूँ दिव्या तिवारी। सीबीएसई के 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं और नोएडा की एमिटी इंटरनेशनल स्कूल की स्टूडेंट रक्षा गोपाल 99.6% मार्क्स लाकर ऑल इंडिया टॉपर बनी। चंडीगढ़ की भूमि सावंत दूसरे नंबर पर रही और उन्हें 99.4% मार्क्स मिले। चंडीगढ़ के ही आदित्य नैना और मन्नत लूथरा तीसरे स्थान पर रहे। इस साल 82% बच्चे पास हुए हैं जो कि पिछले साल से 1% कम है और इस साल 10,091 बच्चों ने 95 से 100% के बीच अंक हासिल किए हैं जबकि पिछली बार यह आंकड़ा 9,351 था। और सीबीएसई के 12वीं के टॉपर रही रक्षा गोपाल से हमारे संवाददाता अनुराग चड्ढा ने खास बातचीत की। आइए जानते हैं सीबीएसई ऑल इंडिया टॉपर रक्षा गोपाल ने पढ़ाई की क्या रणनीति अपनाई थी। देखिए रक्षा गोपाल हमारा साथ है, नोएडा की टॉपर है, पूरे माफ कीजिएगा नोएडा की रहने वाली लड़की रक्षा गोपाल है और इंडिया टॉप किया है। रक्षा, उम्मीद थी इस बात की कि इंडिया टॉपर बनोगी? जी नहीं, इंडिया टॉपर तो बस अभी लक पे डिपेंडेंट था, बन गई तो, बट अच्छे मार्क्स की डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन थी। काफ़ी मेहनत की थी सबने, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, एंड तो इसलिए, लेकिन इंडिया टॉप की डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन रही थी। अच्छा रक्षा, हर बच्चे का सपना होता है कि वो अपने कॉलेज में, अपने शहर में टॉप करे, लेकिन आपको इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि आप इंडिया टॉप कर पाएंगी, और क्या है आपकी इस जीत का फॉर्मूला एक तरह से? जी जीत का फॉर्मूला है ये एग्जाम में आपने जी ये बेसिकली कुछ ज़्यादा कुछ ऐसे कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, बस ये था कि अच्छा करना है, सबसे पहले अपने आप को प्राउड करना है जो मैंने अभी कर लिया है, तो बस यही था। कुछ ज़्यादा कुछ एक्सेस नहीं था, कुछ स्ट्रैटेजी एज सच कुछ नहीं थी, बस काम है कि अच्छे से पढ़ाई करके बस अच्छे पास करना था। अच्छा रक्षा, जब 12वीं के नतीजे आने वाले थे तो घर में किस तरह का माहौल था, और जो घर वाले हैं निश्चित तौर पर घर वालों को उम्मीद होती है कि जो हमारे बच्चे हैं वो अच्छा रिजल्ट लेकर आए, तो घर में उम्मीद थी इस बात की, और जब रिजल्ट आया तो घर में मदर फादर की क्या प्रतिक्रिया थी? जी मतलब एक्सपेक्टेशन तो गुड रिजल्ट की थी, लेकिन वो एंग्जाइटी थी रिजल्ट के पहले तक, एकदम एंड मोमेंट तक एकदम वो एकदम घबराहट थी कि कैसा होगा, क्योंकि कुछ बता नहीं सकते कब रिजल्ट का, और जैसे ही आए हम सब तो एकदम चिल्ला रहे थे खुशी से, तो बस हम अभी बहुत खुश हैं। तो बस अगर हम बात करें बाकी स्टूडेंट्स की, जैसे होते हैं स्कूल में बच्चे कि भाई मैं अच्छा पढ़ती हूँ और भी अच्छे पढ़ता हूँ, तो आपको अपनी उम्मीद थी कि अपनी फ्रेंड्स की उम्मीद थी कि वो आपसे ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर आएंगे? डेफिनेटली हम सब एकदम इक्वल पे थे, हम सब ने एक साथ ही मेहनत की थी, तो हो सकता था कि वो लोग टॉप कर ले, उनने भी काफ़ी अच्छा किया है, ऐसा नहीं है, तो बस मेरे उनसे थोड़े से ज़्यादा स्ट्रैटेजी भी। जी मैम, आपके स्कूल की बच्ची ने टॉप किया है, तो किस तरह से बच्चों को आप लोग ग्रूम करते हैं, और आपको उम्मीद थी कि आपके स्कूल की जो बच्ची है वो इंडिया टॉप करेगी? हाँ, मुझे बिल्कुल उम्मीद थी इस बार, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजीज बहुत प्लान थी इस बार। इस बार हमारी जो चेयरपर्सन डॉक्टर मिसेस अमिता चौहान, वो रेगुलरली हमको फ्रेम करके देते थे कि ये करना, वी वर जस्ट इम्प्लीमेंटर्स देयर, और मुझे तो पक्का पता था कि रक्षा जो है वो टॉप करेगी, ये बात मुझे पक्का पता था, क्योंकि जब फर्स्ट टर्म का एग्जाम हुआ रक्षा डिड वेरी वेल। अगर कोई बच्चा अपने इंटरनल एग्जाम से 98-97 लाता है तो वो बोर्ड में जरूर अच्छा करेगा। अच्छा रक्षा, जो बच्चे टॉप तो करना चाहते हैं लेकिन टॉप कर नहीं पाते, तो उन स्टूडेंट्स को आप किस तरह की सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह के से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वो लोग भी अपने अपने क्लासेस में या अपने क्षेत्र में टॉप आ सकें? जी फर्स्टली अपना टॉप करने को अपना मकसद नहीं रखना चाहिए, ये गोल ये होना चाहिए कि अच्छे से करना है, और मतलब सब एकदम अपना बेस्ट देना है, वो ही है, तो टॉप करना है नहीं करना है वो आपके लक पे डिपेंडेंट है, जितने आपने मेहनत डाली उसके हिसाब से आप नतीजे तो आ ही जाएंगे। तो वरना मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि सबको एकदम आराम से अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छा रक्षा, लगता है कि अगर आप टॉप करने का विजन अपने दिमाग में रखोगे तो बहुत सारा प्रेशर दिमाग में हो जाएगा, जो एक अपनी पढ़ाई है वो ढंग से, जो नेचुरल वर्क है वो नहीं हो पाता? जी ऐसा ही है, क्योंकि एक बार आपको, क्योंकि एक तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाते हैं, तो कभी उतना रखना ही नहीं चाहिए, और बहुत प्रेशर होता है कि अगर आप सोचते रहते हो कि मुझे टॉप करना है, तो वैसे कभी आप टॉप नहीं कर पाओगे, तो आपको बस ये एकदम आराम से कोई जस्ट ये गोल रखना है कि अच्छा हो जाए सब, मतलब जो जैसा स्वभाव है वैसा रखना चाहिए, ज्यादा प्रेशर रखेंगे तो पीछे रह जाएंगे। डेफिनेटली ऐसा ही है, और हमारे स्कूल ने हमें ऐसे ही ट्रेन किया था, मैं ऐसे ही बोला था कि ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने की जरूरत नहीं, बस अपना बेस्ट दो और एग्जाम्स जाके अच्छे से देखें। आपने टॉप किया, इसके पीछे आपकी जो पढ़ाई है, उस मेहनत है, उसका तो नतीजा है, लेकिन
अपने फैमिली के लोगों को, अपने स्कूल की टीचर्स को किस तरह से आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उन्होंने आपके साथ मेहनत की और मदर फादर ने किस तरह से आपको प्रमोट किया? जी मम्मी पापा ने कभी पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं डाला है, उन्होंने बस मुझे ये बोला है कि मुझे अच्छा करना है और बस हमेशा सपोर्ट किया है। तो जब भी मुझे बोर्ड के बीच में कभी भी स्ट्रेस हुआ तो फिर वो मुझे हमेशा मेरे साथ थे और ने मुझे एकदम मोटिवेट किया है। जहाँ तक स्कूल की बात है तो डेफिनेटली चेयरपर्सन अमिता चौहान हमारी जो चेयरपर्सन है उनकी वजह से बहुत हुआ है। उनने अच्छे से हमें हमारे साथ इंटरेक्ट किया है और हमें एकदम हमेशा मोटिवेट किया है। मेरी प्रिंसिपल रेणु सिंह उनकी वजह से भी डेफिनेटली उनने रक्षा फ्यूचर प्लान क्या है अभी आपके? मुझे अभी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है और मैंने डीयू में अप्लाई किया है तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन डीयू है। रक्षा, एक आखिरी सवाल, हर किसी बच्चे का सपना कुछ ना कुछ बचपन में वो तय कर लेता है मुझे बनना क्या है, आपने अभी तक कुछ तय किया कि आपको अब जीवन में किस लक्ष्य तक पहुंचना है? जी नहीं, मुझे तो बस अभी खुश रहना है फिलहाल, तो ऐसा कोई एम कोई ऐसे डेफिनेट गोल नहीं है, तो बस अभी बस शॉर्ट टर्म गोल है। तो चलिए, जो रक्षा है नोएडा की रहने वाली है, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा है, उनका यह कहना है कि अपने दिलो दिमाग में प्रेशर आपको बिल्कुल नहीं, अगर आप अपने दिमाग में प्रेशर रखेंगे तो आप बिल्कुल पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे और उतने अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। तो अच्छे नंबर लाने के लिए आपको अपने दिमाग को प्रेशर से फ्री रखना है। नोएडा से कैमरामैन अमित के साथ अनुराग चड्ढाजी, मीडिया। वहीं मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सीबीएसई टॉपर अक्षा गोपाल से बातचीत की और उन्हें बधाई दी। और आइए सुनते हैं उससे पहले सीबीएसई के ऑल इंडिया टॉपर अक्षा गोपाल के पेरेंट्स का क्या कुछ कहना है। हर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि जब भी एग्जाम्स के नतीजे आए तो उनके बच्चे अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आए। इस वक्त हम रक्षा गोपाल के पिता के साथ उनसे बात करते हैं। सर, आपकी बच्ची तो ने तो इंडिया टॉप किया है, तो अब किस तरह की खुशी अब आपके दिल में हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी। आपने कभी उम्मीद की थी जिस बच्ची का आज रिजल्ट आने वाला है कि वो इंडिया टॉप करेगी? हालांकि बच्ची आपकी इंटेलिजेंट थी, ये तो आपको पता ही होगा, स्कूल से तमाम तरह की जो एक इंटरेक्शन रहता है उसमें पता चलता है, लेकिन इंडिया टॉप बच्ची करेगी, आपकी इस बात की उम्मीद थी? देखिए, स्कूल को बहुत उम्मीद था, स्कूल वालों ने इसको ऑलवेज एक मीडिया टॉपर के तरह से ही इसको ट्रीट किया था और बोला भी था तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है, बट एज पेरेंट्स हमने कभी सोचा ही नहीं मीडिया टॉपिंग की बात करें, हमें सिर्फ यही था कि अच्छा मार्क लेके आए, लेकिन वो इतने हाइट तक चले जाएगी। स्वामी अच्छा, रक्षा गोपाल से भी हमने बात की थी तो उसने बताया कि मैं कभी पढ़ाई का प्रेशर नहीं लेती थी, बस अपना जो मैं पढ़ाई करती थी वही करती थी, अगर ज़्यादा प्रेशर लेती तो शायद इतने अच्छे नंबर नहीं आ पाते। ये बात ज़रूर है, आज ही नहीं बचपन से लेके मैंने अपने दोनों बच्चों को कभी प्रेशराइज नहीं किया, कभी मार्क्स के लिए प्रेशराइज नहीं किया, मार्क अपने आप आते रहे, इन्होंने सिर्फ नॉलेज गैदर किया। अक्सर जब हम आप लोग जब पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं तो स्कूल की तरफ से क्या कहा जाता था, क्या क्लास टीचर कहते हैं? हमने तो पीटीएम अटेंड करना ही बंद कर दिया, इनके टीचर्स इतने अच्छे थे, उन्होंने कहा अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को जहाँ तक पता है कि मैं करीब 8 साल हो गया मैं पीटीएम में कभी नहीं आया, क्योंकि इन्होंने हर वक्त ही अच्छा ही कर रहे थे, एटलीस्ट इन द टॉप 5 में ऑलवेज थे, तो हमने कभी पीटीएम मेरे को याद नहीं है कब मैंने पहला अटेंड किया था। अच्छा, कुछ बच्चों को जो मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते उनके पेरेंट्स और जो बच्चों के बीच में काफ़ी दूरियां हो जाती हैं, पेरेंट्स की उम्मीद पर जो बच्चे खड़े नहीं उतर पाते, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे पेरेंट्स को आप? मेरे हिसाब से यही है कि देखिए, मेरा इतना हालांकि इस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस मेरा नहीं है क्योंकि मेरे बच्चों ने तो अच्छा ही किया, सो इसीलिए मैं कह नहीं सकता, इतना ही कहूँगा कि एक्चुअली पेरेंट्स को थोड़ा बच्चों के साथ बैठ के काउंसलिंग करना चाहिए, थोड़ा बात करके बच्चों में थोड़ा मोटिवेशन देने से ना। अच्छा, रक्षा गोपाल की अगर रूटीन की बात करें तो किस तरह से वो पढ़ाई करती थी? वो देखिए, रूटीनली करीब 10 घंटे तक तो पढ़ाई करती थी कि ब्रेक में, लेकिन बीच में टीवी सीरियल्स भी मिस नहीं करती थी और जी में भी आता था, टीवी सीरियल मिस नहीं करती थी, सो वैसे एक मिक्स था क्या करीब 10 घंटे। आप लोग कहते थे कि ज़्यादा पढ़ाई कर रही हो, पढ़ाई मत करो ज़्यादा? हाँ, हम तो कहते रहते थे, मैं तो उसको उठाता था, 4-4 घंटे नहीं उठती थी, फिर मैं बोलता था कि नहीं मैं भाई एंजॉय कर रही हूँ तो मैं क्यों नहीं करूँ उस तरीके से। तो चलिए, रक्षा की मदर के पास हम चलते हैं, रक्षा की मदर से हम बात करते हैं। मैम, मेरा भी आपसे यही सवाल, रक्षा के रूटीन को लेकर आपको क्या आपको लगता था कि इसका रूटीन देख कर कि वो जो पढ़ाई कर रही है उसका नतीजा इंडिया टॉप के रूप में निकलेगा? ये तो मुझे पता था दैट शी विल डू वेल, बट इंडिया टॉपर बनेगी गॉड्स ग्रेस, मैं यही बता सकती हूँ, बिकॉज शी हैड ऑलवेज डन वेल। हमारे चैनल पर किस तरह से अपनी खुशी को आप जाहिर करेंगी, आप एक ऐसी बच्ची की माँ है जिसने इंडिया टॉप किया है, कितनी खुशी हो रही है आपको? आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है।
तो कुछ खास बात रक्षा की आप बताना चाहेंगी, अब उसने इंडिया टॉप किया है ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो प्रेरणा लें? एक तो डोंट प्रेशराइज नहीं होना है पढ़ाई लेके, एंड बहुत सिस्टमेटिक होना बहुत जरूरी है, एंड कोई भी चीज पोस्टपोन नहीं करके रखना है, बिकॉज दैट्स व्हाट इसने किया था, कोई भी चीज पोस्टपोन नहीं करती थी, एवरीथिंग ऑन टाइम एंड बिफोर स्केड्यूल, शी वॉज वेल प्रिपेयर्ड, एंड एग्जाम के पहले कभी बैठ के कुछ नया टॉपिक पढ़ना वो कभी नहीं था, इट वॉज ऑलवेज एक दो दिन पहले सारा खत्म करके रिलैक्स होके रहती थी। क्या आप लोग भी उसको बोलते थे कि आपको इतने अच्छे नंबर लेकर आने हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें कोई प्रेशर बच्चे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एंड स्कूल से भी तो इतनी मेहनत मिली हमें, सो बिल्कुल ही नहीं, स्कूल वॉज ऑल्सो वेरी सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज एंड दे गाइडेड हर सो वेल, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रेशराइज हुई थी। तो चलिए अगर हम रक्षा के मदर फादर की बात करें, उसके क्लास टीचर्स की बात करें, तो रक्षा की जिंदगी में सब कुछ ऑर्गेनाइज था, अगर वो पढ़ाई करती थी तो सिर्फ पढ़ाई करती थी, अगर स्पोर्ट्स टाइम होता था तो स्पोर्ट्स टाइम में वो अपना टाइम स्पेंड करती थी, तो इसलिए जीवन में आपको ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है आने वाली सफलता के लिए। नोएडा से कैमरामैन अमित के साथ अनुराग चड्डा, जी मीडिया।